नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे जल रहे सतपुड़ा भवन की। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग तीसरी मंजिल पर लगी थी, देखते ही देखते इतना भयानक रूप ले लिया आग ने और आग पांचवी मंजिल तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई और थोड़ी देर में आग ने भयंकर विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें आपके सामने। सतपुड़ा भवन की दो मंजिल पर बने दफ्तरों के कागजात और दूसरे सामान जलकर खाक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग के कागजात जलकर खाक हो गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग का 20 करोड़ का फर्नीचर भी जलकर स्वाहा हो चुका है। बताया जा रहा है कि दमकल की टीम को आग पर काबू पाने में काफी परेशानी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा के चलते आग फैलती ही जा रही है, भयंकर आग की लपटें उठ रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि ये आग लगी है सतपुड़ा भवन में। अरुण यादव ने ट्वीट किया है, लिखा है कि आग के बहाने घोटालों की फाइलें तो नहीं जलाई जा रही हैं। तो भीषण आग पर सियासत भी भड़क उठी है मध्य प्रदेश में। आग लगी है सतपुड़ा भवन में, लेकिन सियासत भड़क रही है प्रदेश में। 20 करोड़ का फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गया। काफी दिक्कतें आ रही हैं आग पर काबू पाने में। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, इसकी वजह पता नहीं चल पाई। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले इस आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाए। दमकल का पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा जहां आग लगी है, इसलिए अब दूसरे प्रयास किए जा रहे हैं। काफी देर हो चुकी है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। धीरे धीरे आग और भी ज्यादा भड़क रही है और पूरे भवन को अपनी चपेट में लेती हुई। पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर भी मौके पर हैं, सीआईएसएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग के महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक हो गए। 20 करोड़ का फर्नीचर भी स्वाहा हो गया है इस भीषण भयंकर आग में। गनीमत यह रही कि समय रहते सभी लोग भवन से बाहर निकल आए। किसी भी तरह की जनहानि की खबर फिलहाल अभी तो नहीं आई है, उम्मीद यही करते हैं कि ऐसा हो भी ना। लेकिन काफी कुछ नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज थे विभागों के, कई विभागों के। 20 करोड़ का फर्नीचर जल गया है, स्वाहा हो गया है। दमकल की 10 से 15 गाड़ियां मौके पर हैं। सभी की कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द आग बुझाई जाए, लेकिन आग बुझ ही नहीं पा रही। काफी समय बीत चुका है। ये देखिए तस्वीरें, आग की भयंकर लपटें, धुएं का काला गुबार आपको तस्वीरों में दिख जाए। तमाम तरह की परेशानी आ रही है, क्योंकि जितनी दूर आग लगी है वहां तक फायर ब्रिगेड का, दमकल की टीम का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, इसलिए थोड़ी सी आग बुझती है फिर उतनी ही ज्यादा भड़क जाती है। सीआईएसएफ की टीम भी मौके पर है, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर भी हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई लगी हुई। लेकिन जैसे ही आग लगती है भवन में मौजूद सभी लोग भवन से बाहर निकल आते हैं समय रहते। तो चलिए अभी क्या कुछ हालात है वहां पर वो हम जान लेते हैं। सीधे रुक करेंगे भोपाल का, घटनास्थल पर मौजूद हैं सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या हो रहा है वहां पर अभी, क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं आप? सुमित, अगर बात करें तो वो महत्वपूर्ण फाइलें जलकर हवा में
राख हो चुकी हैं, जलकर खाक हो चुकी हैं। अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का ये महत्व, यहाँ पर जरूरी दस्तावेज आप पढ़ सकते हैं। आयुक्त स्वास्थ्य एवं सह सचिव महोदय, ये वो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हवा में उड़कर इस तरह पूरे शहर में बिखर चुके हैं। पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ पन्ने हमारे हाथ भी आ चुके हैं, जल चुके हैं, मगर ये इस तरह से हवा में उड़ रहे हैं और हर जगह पर ये फैले हुए हैं। अगर बात करें तो इस तरह से ये पूरे पेपर उड़ चुके हैं, लोग भी लगातार। हालांकि गनीमत है कि कुछ हद तक आग को काबू पाया गया है, आग को वहीं पर थामने की कोशिश है, मगर आग ऊपर भी अभी छठे माले पर भड़की हुई है, क्योंकि जहां जहां फिर वो नीचे फ्लोर पर जो आग बुझ चुकी थी उसने फिर अब विकराल रूप ले लिया। फिर से जहां हवा तेज हो जाती है आग फिर भड़क जाती है, क्योंकि पानी की कमी है। सबसे बड़ी जो बात यह है कि भोपाल झीलों का शहर है, मगर यहां पर फायर ब्रिगेड के पास पानी पर्याप्त नहीं है। ये खाली खड़े हुए हैं, दमकल कर्मी एसडीआरएफ की टीम भी खाली खड़ी है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये पानी के पाइप ये खाली है, आग लगी है मगर हाँ पानी पीना है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो तमाम लोग परेशान हो चुके हैं, पानी यहाँ पर कमी है। दमकल कर्मी ये खाली पाइपों के सहारे ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब पानी मिलेगा ये इन फायर ब्रिगेड के जरिए तो ही आग को बुझाया जाएगा। आग ऊपर भड़की हुई है और लगातार कंट्रोल करने के लिए लोग दमकल कर्मी मेहनत कर रहे हैं। सर कितना वक्त लग सकता है आग को बुझाने में? अभी देख रहे हैं सर, जैसे ही होता है तो आपको बता। आग भड़क रही है, दोबारा से रीइग्नाइट हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। पानी टेंडर मंगाए हैं, हाँ। वो अभी फायर टेंडर में भर रहा है, अच्छा, जैसे ही हो जाएगा। तो बस तो हम अगर बात करें तो लगातार ये फायर कर्मी, जवाज फायर कर्मी लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, और मगर आग है कि फिर से देखिए बढ़ती जा रही है। हर जगह धुआं धुआं, पूरे शहर में धुआं धुआं हो चुका है। लगातार लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर काय का डिपार्टमेंट है? ये स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में विकास योजना है, और ऊपर उसके हेल्थ विभाग का है और उसके ऊपर भी हेल्थ का है। अच्छा, ये नीचे तो लोग बैठते थे, ये फाइलें रखी रहती थी। हाँ, वो कार्यालय में को सभी पूरा का काट लेता है। अच्छा, हाँ तो रिपोर्ट पूरा जल गया। अब वो तो एकदम सामने दिखा है, आदिवासी विभाग का भी था, स्वास्थ्य का भी था। हाँ, आदिवासी विभाग में ही वो आता है, क्षेत्रीय विकास कार्यालय। वो आग का गुबार तैयार हो चुका है, फाइलें फिर से जल रही हैं। इधर हालांकि गनीमत है कि इधर रोकने के लिए लगातार फायर टेंडर काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं नाकामी यहां पर नजर आ रही है नगर निगम की, क्योंकि अभी यहां पर कोई एक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रहे हैं, गिने चुने लोग आपको नजर आ रहे होंगे, मगर यहां पर एक बड़ा हमला होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नगर निगम पर बजट होता है हर बार हर साल फायर टेंडर के लिए, मगर यहां पर अलग ही विभाग अलग है, तो मगर मदद तो सबको करना चाहिए, मिलकर सारी टीम को एकजुट होना चाहिए। यहां पर धुआं इतना ज्यादा है कि हम यहां पर विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। अगर बात करें तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि काला धुआं, जहरीला धुआं पूरे वातावरण में फैल चुका है। लोग यहां पर खड़े हैं नीचे और पूरा शहर इस धुएं की चादर में लपेट चुका है। हर जगह जहरीला धुआं बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ राहत इस आग से जरूर मिली है, क्योंकि पानी भी थम गया है, ये फायर टेंडर की गाड़ियां खड़ी हैं, लगातार पानी बुलाया जा रहा है और पूरे शहर में ये धुआं धुआं हो चुका है। अगर बात करें तो यहाँ से ये अब ये फाइलों के अंबार लगे हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ भी आग भड़कना शुरू हो चुकी है, धुआं ऐसे निकल रहा है पूरे। आप देखिए कितना बड़ा धुआं यहाँ पर फैलता हुआ जा रहा है। इसी का डर है कि अगले फ्लोर पर आग ना बढ़े, मगर पानी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है पानी की वजह से। अब ये फिर से इधर पानी पहुंचा है, ये आग को फिर बुझाने के लिए इनकी मेहनत लगातार शुरू हुई है। फिर से ये तो लोग तैयारी कर रहे हैं फिर से आग। हम बात कर सर, अब तो बात करते हैं कितना वक्त तो लग जाएगा यहाँ पर? ऑलमोस्ट एक घंटा तो लगेगा जी। सर आपका परिचय? मैं कमल नागर हूँ, एडिशनल कलेक्टर हूँ जी। जी तो सर कमी लग रही है कुछ अपने फायर एसडीआरएफ की टीम में मौके पे, बाकी दमकल कर्मी भी हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर नगर निगम के लोग हैं, ठीक है, और एसडीआरएफ के लोग, ठीक है, साथ साथ पुलिस का अमला भी है, ठीक है, तीन बेसिकली विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं। और जो आप देख रहे हैं कि थर्ड फ्लोर से स्टार्ट होता है ट्राइबल का ऑफिस है, फिर फोर्थ फिफ्थ, पानी की कहीं ना कहीं कमी जरूर लग रही है। हाँ, पानी कमी तो लग रही है, इवेंचुअली बहुत ज्यादा मात्रा में ये हवा जो चल रही है इससे आग और बढ़ती जा रही है। हाँ, बेसिकली जैसे ऑक्सीजन मिलते जाएगा तो आग तो बढ़ती जाएगी, बट पानी कमी हमला पूरा प्रयास कर रहा है कि जितना लग सकता है आपके साथ मौजूद है। मिनिमम एक से डेढ़ घंटा, एक से डेढ़ घंटे का वक्त बता रहे हैं, लगातार सारे लोग लगे हुए हैं, मगर अब देखते हैं जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है फिर से आग भड़क जाती है। आग कुछ देर थमी थी मगर फिर से हवा चली और पानी की कमी, ये दो चीजों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अगर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फायर टेंडर में पानी हो तो ये आग को बुझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मगर बात करें तो फिर से देखिए ये अब कांच फोड़ने के लिए एक्टिव हो चुके हैं।
और बात करते हैं यहाँ पर कांच फोड़ने के लिए पत्थर हमने भी चलाए, हम भी चाह रहे थे कि यहाँ से ठीक है। मैं जितेंद्र दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप बात करिएगा वहां पर जो फायर कर्मी लगे हुए हैं आपको बुझाने में, दोबारा लौटूंगा मैं। सतपुड़ा भवन काफी बड़ा है और भवन के दूसरी तरफ हमारे एक और सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ हालात है वहां पर। शैलेंद्र, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन आग है कि काबू नहीं पाया जा सका उस पर, क्या कुछ वजह देख रहे हैं आप, क्या परेशानियां फायर कर्मियों के सामने इस वक्त शैलेंद्र? 4 बजे आग लगी थी, 7 बज चुकी है तो आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका और लगातार आग बढ़ती ही जा रही है। किसी न किसी हिस्से से आग फिर से लपटे उठ जाती है। एक हिस्से में फायर कर्मी आग दमकले से पानी की बुछारे मारकर आग बुझाते हैं लेकिन फिर दूसरे हिस्से में आग फिर पकड़ लेती, तो अभी कहना मुश्किल है कि कितना समय लगेगा। और देखिए, अभी हम बार बार ये बात कह रहे थे कि प्रशासनिक लापरवाही या प्रशासनिक अफसर नदारद थे, तो जब न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया और ये बात उठाई कि यहाँ पर बड़े अफसर सब गायब है, तो उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर कलेक्टर आशीष सिंह मौके पर आ चुके हैं, उसके अलावा यहाँ पर पुलिस कमिश्नर हरिंद नारायण मिश्रा पहुंच चुके हैं, इसके अलावा तमाम अफसर देखिए अब खुद उनकी देखरेख में मॉनिटरिंग में अब आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि सीआईएसएफ को भी बुला लिया गया है, तो सीआईएसएफ की टीम भी अब जुट चुकी है, तो सीआईएसएफ की टीम लगातार यहाँ पर अंदर जाने के प्रयास कर रही है ताकि कुछ ऐसे हिस्से में से आग को बुझाया जा सके जहाँ से कि थोड़ा कंट्रोल हो सके। तो क्योंकि देखिए आप, न केवल तीसरी मंजिल पूरी जल रही है, चौथी मंजिल और छठी मंजिल, ये 3 मंजिल अभी भी पूरी तरीके से आग की लपटों में है। तो यही देखिए, प्रशासनिक अमला वहाँ पे निर्देश दे रहा है नीचे से लगातार, और हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ जो छठी मंजिल है वहाँ पर सीआईएसएफ की टीम लगातार प्रयास करेगी कि वो अंदर जा सके ताकि आग का जो ज्वलनशील हिस्सा है वहाँ पर पानी की बौछारें पहुँचाई जा सके। बार बार यहाँ पर देखने वाला है कि पानी की कमी हो रही है, इस कारण भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है, पर अब लगता है कि 1-2 घंटा और लगेगा पर आग पर काबू हो सकता है। अब देखिए आप, ऊपर जो फ्लोर है उस पर एक हिस्से से पानी की बौछारें मारते हुए आपको जोर से फायर ब्रिगेड की और फायर दमकल कर्मियों की पूरी टीम नजर आएगी ऊपर, तो लगातार क्योंकि आग क्या हो रहा है कि आगे के हिस्से की तरफ बढ़ती जा रही है, तो एक हिस्सा बुझता है तो उससे आगे चली जाती है, तो इस तरह आग अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। तो अभी नियंत्रण में कब तक होगी स्थिति बताना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी आशुतोष राय यहाँ पर जो फायर अफसर हैं, जो एडीजी है फायर, वो भी मौके पर आए हैं और वो भी ऊपर अब ऊपर की तरफ गए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं सीआईएसएफ की टीम को भी कि आप कैसे भी अंदर जाने की एक हिस्से में कोशिश कीजिए ताकि कुछ हिस्से में आग को काबू पाया जा सके, लेकिन अभी स्थिति इस तरह नहीं दिख रही है कि आग पर और कब तक काबू पाया जा सकेगा, ये बताना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है, नजरें आप दोनों बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा मैं फौरन दीजिएगा। आग बुझ चुकी थी, जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तो भीषण आग की लपटें सतपुड़ा भवन से समय निकल रही हैं, आग लगातार भड़कती है जा रही है, पानी की कमी एक वजह बताई जा रही है कि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका।